उज्जैन जिले के नागदा में सर्व समाज और भारतीय जनता पार्टी के अनुभागीय अधिकारी के द्वारा नागदा में महापुरुषों की प्रतिमा लगाने को SDM RP सिंह को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें 3 दिन में जवाब देने का आग्रह किया गया, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। नागदा नगर में महाराणा प्रताप जी और अन्य महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करवाने में हो रही देरी से जिला कलेक्टर के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर वासियों ने SDM साहब को अतिशीघ्र प्रतिमा लगाने के लिए आग्रह किया और कहा कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और समस्त राजपूत समाज के संगठन, सर्व समाज के संगठन सहित बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद थी। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अभी तक कितने मामलों का निराकरण हुआ है? मैं प्रतिदिन CML पर लगभग 20 से 50 मामले सुनता हूँ, जिनमें त्वरित कार्यवाही करना होती है वो मैं उसी समय कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सामने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, संबंधित पटवारी, शिकायतकर्ता और संबंधित लीडर होते हैं। इनमें मैंने ये देखा कि कई शिकायतें तो इतनी वाजिब है कि हमारे कार्यालय के बाबुओं द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किया या दर्ज किया गया तो इस तरह वो प्रकरण चल रहा है कि जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक। ऐसे 2 प्रकरण मैंने आज जब्त किए हैं, संबंधित को मैं नोटिस जारी कर रहा हूँ। हर शिकायत सही नहीं होती, पर यह तथ्य भी सही है कि हर शिकायत गलत भी नहीं होती। जहाँ मैंने शिकायतकर्ता को झूठा पाया, पुलिस में FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। नाम है उसका श्रीलाल, पिता दूल्हा, जाति ब्राह्मण, निवासी आरोलिया जस। उसने एक गरीब महिला की ज़मीन खरीद कर नामांतरण करा लिया, वहाँ तक भी ठीक है, परंतु जो ज़मीन खरीदी उसके अतिरिक्त तो उस गरीब महिला, विधवा महिला की ज़मीन पर उसने कब्जा किया। कब्जा करने के बाद हमने उसको, महिला को कब्जा दिला दिया, तो उसने CML प्लान में झूठी शिकायत की। ये उदाहरण हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि चोरी और सीना चोरी, ऐसी स्थिति में ऐसे दुष्टों को दंड मिलना चाहिए। आप किसी गरीब महिला की ज़मीन पर कब्जा करके CML प्लान कर दोगे, कितनी गलत बात। तो ऐसी स्थिति में मैंने डबल कब्जा करने के कारण 447 IPC में प्रकरण दर्ज कराने का आदेश दिया है। वो आदेश आपको एक आध दिन मिल जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एडिक्टेड कराया मेरे रजिस्टर में। तो ये CML प्लान के विषय में मैंने जो अभी तक पाया वो ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रेशर करने के लिए CML प्लान करते हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी प्रेशर में आ जाएं और वो कर दें। ऐसे मामलों में बहुत स्पष्ट हूँ कि सभी को सुनता हूँ, और जब मैं ये देखता हूँ कि आज व्यक्ति प्रेशर कर रहा है तो मैं फिर उसका आवेदन निरस्त करता हूँ। सर, ऐसे तो कई मामले हैं जो अभी भी दबे हुए हैं, जो अभी खुलासा नहीं हो पाया उनका, उनके लिए ये बात सत्य है। मैं SDM हूँ, एक तो मेरा कार्यक्षेत्र विस्तृत होता है, दूसरा तहसीलदार, नायब तहसीलदार को इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके बाबत उनके अधीनस्थ क्या करें। इसलिए मैंने उनको भी सचेत किया है और बताया कि कोई गलती एक सीमा तक चल सकती, यदि सद्भावनापूर्वक गलती है तो एक बार क्षमा योग्य, परंतु केस दबा देना दुर्भावनापूर्ण होता है तो गलत होता है। सर, एक तरफ तो आपने CM हेल्पलाइन पूरे सप्ताह चलाने का, विदिशा के लटेरी में शिक्षा विभाग का नया सत्र शुरू होने के बाद से ही यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से चरम